नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। भ्रष्टाचार हर जगह अपने पैर पसार रहा है। कोई ऐसी जगह इस धरती पर शायद बची ही नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। अब आप उदयपुर राजस्थान में खान एवं भू विज्ञान विभाग में ही देख लीजिए, जहां अधिकृत ठेकेदार मैसेज शिव शंकर रॉयल्टी कलेक्शन के नाम से रॉयल्टी वसूली का कार्य विगत एक वर्ष से किया जा रहा है। इस पूरे मामले को आपको बहुत जाना पहचाना भी लगेगा, क्योंकि मावली विधायक धर्म नारायण जोशी पहले भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। एक बार ये क्लिप देख लीजिए आप। और आप कंपनी को भेज रहे हो, मैंने देखा आप निकले, वो कहा चंदन कुमार जी वो जा रहे हैं। मैंने देखा ना आपको, अभी निकले हो आप यहाँ से। ये 5771 किसकी, कौन सी गाड़ी है ये, किसकी गाड़ी है साहब? तो विजिलेंस वाले अभी निकले यहाँ से, इसका मतलब विजिलेंस वालों का तो आप थे ना उसमें। तो किसको भेज रहे हो? मैं खड़ा हूँ आधा पौन घंटा हो गया, मुझे एक घंटा हो गया। मैंने एसपी साहब को कहा, कलेक्टर साहब को कहा, आपसे मेरी आधे पौन घंटे पहले बात हुई और आप यहाँ से निकले हो अभी, उसके बाद भी अनदेखा करके निकल गए, क्योंकि आपकी इसमें मिली भगत है, आपकी मिली भगत है इसमें। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ आप पर। मिली भगत के बिना कोई रॉयल्टी का ठेका ले सकता है क्या? और बिना कितने रुपए ले रहे हैं यही पता नहीं इनको। आपको जब मैंने कहा आपने कंपनी का ठेका हुआ, कंपनी का कोई नाम नहीं, रुपए कितने लिख रहे रसीद में कुछ नहीं। आप बेचारा कोई रेत वाला ट्रैक्टर वाला जाता है, स्वयं जाते हो, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए से लेते हो। आप कृपा करके यहाँ पधार जाओ, मैं खड़ा हूँ। जब तक आप नहीं आएंगे मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं कलेक्टर एसपी को यहाँ बुलाऊंगा। आप स्वयं आके देखो क्या गोरख धंधा हो रहा है, जनता के साथ क्या लूट हो रही है। आप स्वयं पधार जाओ, किसी को भेजने की जरूरत नहीं, विजिलेंस वाला क्या करेगा। आप पधार जाओ, पधार जाओ। हिमाकत देखिए कि ठेकेदार द्वारा खान विभाग द्वारा जारी रॉयल्टी की पर्ची नहीं देकर स्वयं अपने स्तर पर प्रिंटेड एक लाल पर्ची, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी ब्यौरा अंकित नहीं है, उस पर गाड़ी नंबर और वजन लिखकर रॉयल्टी की दर से 3 से 4 गुना पैसा वसूल किया जा रहा है। वाहन चालकों के साथ अभद्र व्यवहार और गरीब जनता के साथ खिलवाड़ किया जाना अब आम हो गया है। सरकार को DMFT और RMFT द्वारा 12% राजस्व को भी ठेकेदार द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अवैध खनन को प्रोत्साहित करने के लिए अभी ये पर्ची देकर अवैध वसूली की जा रही है। रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा जिस पर वसूली नहीं करने का अधिकार है, उनको भी रोककर वाहन चालकों के साथ मारपीट की जाती है, धमकाकर पैसा वसूल किया जा रहा है। ऐसे में जनता चाहती है कि संबंधित विभाग, GST चोरी विभाग, आयकर विभाग, सभी विभागों को चोरी कर नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है, तो समस्त नाकों की आकस्मिक जांच करवाकर अवैध रूप से संचालित इन डायरियों को जब्त किया जाना चाहिए। और ठेकेदार द्वारा पिछले एक वर्ष से 4 से 5 करोड़ रुपए का जो नुकसान पहुंचाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही इसकी भरपाई की जानी चाहिए और आम जनता को राहत भी दी जानी चाहिए। इसी के साथ पीड़ित प्रफुल्ल ओझा ने अपनी पीड़ा सीबीसी न्यूज के साथ साझा की, वो सुनिए। जी सर, किस तरह की समस्याएं हैं, एक बार आप सारा डिटेल में बताइए। मैडम, अपने खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा अधिकृत एक ठेकेदार है, मैसर शिव शंकर रॉयल्टी कलेक्शन के नाम से, तो जो माइनिंग के नाम से जो रॉयल्टी करती है वो नहीं काट के, और एक लाल पर्ची होती है जिसके ऊपर ना एड्रेस है, ना कोई GST नंबर है, ना कुछ भी नहीं है। वो पर्ची काट के और रॉयल्टी की जो निर्धारित दर है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा ट्रैक्टर वालों से वसूल कर रहा है। ठीक बात है। और ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर रॉयल्टी लागू नहीं होती है, उन गाड़ी वालों को भी रोक रोक के परेशान किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या ये घटना आपके साथ घटी है? हाँ बिल्कुल मैडम, मेरा भी यही काम है रोज का। अच्छा अच्छा, तो ये कितने टाइम से ऐसा हो रहा है? ये पिछले 1 साल से चल रहा है ठेका। अच्छा अच्छा, पर इसका 6 महीने पहले का एक वीडियो भेजा मैंने आपको, ये धर्मनारायण जी जोशी ने इसका विरोध किया था। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम पे टेम्प्रेरी नाका क्लोज हो गया था, 15 दिन बंद रहा। ठीक है। और वापिस से इन्होंने नाका उस जगह से हटा के दूसरी जगह स्थापित कर दिया। हाँ हाँ, अच्छा। और वहाँ पे सिर्फ एक लाल पर्ची देके और ये पत्थर के ट्रैक्टर आते हैं जो कि अवैध खनन है, मतलब एक हिसाब से अवैध खनन है, उसको ये 300 रुपए 500 रुपए जो इच्छा हो उस हिसाब से पैसा ले लेते उसका। अच्छा, तो इसकी आपने अभी ये ज्ञापन वगैरह कहीं दिया है? इसकी शिकायत मैंने डायरेक्ट 181 पे कंप्लेन कर रखी है। अच्छा, और डायरेक्ट मुख्यमंत्री को भी इसका वो मेल पे भेज रखा है। और 181 और माइनिंग विभाग तीनों में शिकायत कर रखी है। ठीक है ठीक है। वहाँ पे आप जब बात करते तो कुछ इसके प्रति विरोध जताते होंगे, तो कुछ कुछ जवाब देते होंगे ना, वो क्या कहते हैं?
इसकी कार्रवाई के लिए बोला ना मैं 181 से, तो बोला था इनकी माइनिंग विभाग इसकी कार्रवाई करेगा। नहीं नहीं, आप भाई ये जो ठेकेदार है ये जब इस तरह की पर्ची आपको देता है अलग से, तो आपने वहाँ भी तो विरोध किया होगा, तो वो लोग क्या बोलते हैं आपको? मैडम ये एक्चुअली क्या है कि जो लाल पर्ची देके जो पैसा वसूल कर रहे हैं इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो अवैध खनन जो होता है, जैसे पत्थर आते हैं, तो इसकी माइनिंग लीज होती नहीं है। हाँ, अच्छा। और जिस चीज की माइनिंग लीज नहीं होती उसके ऊपर ठेकेदार को रॉयल्टी काटने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, तो अब वो रॉयल्टी ऑफिशियल जो अपने ई रवाना बोलते हैं जिसको, वो तो कट नहीं सकती है। हाँ, तो ये लाल पर्ची देके जिसके ऊपर इनके कंपनी का कोई नाम पता कोई एड्रेस कुछ भी नहीं है, ये इसका सीधा का सीधा लाल पर्ची देके सिर्फ इनके आदमी उस गाड़ी को नहीं रोके उसके लिए ये पर्ची देते हैं। अच्छा, जबकि माइनिंग उसको अवैध मानती है। ठीक है, अगर माइनिंग गाड़ी पकड़ लेती है तो उस पर्ची को अवैध मानती है, माइनिंग कहती है कि ये पर्ची मान्य नहीं है। हाँ हाँ, जबकि माइनिंग का ही ठेकेदार है वो भी। ठीक बात है, तो ये पैसा माइनिंग का ही जाता है ऐसा समझा जाए। हाँ, कुल मिला के कहीं कहीं मिली भगत तो है ये। ठीक है सर, और कोई अगर बाई कोई लाल पर्ची लेके नहीं निकला तो उसको ये खुद इसके जो फ्लाइंग में ऑफिशियली सारे के सारे क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, मतलब अपराधी टाइप के लोग हैं, उनसे लड़ना किसी के बस का काम है नहीं है। अच्छा, अब ये लोग क्या गाड़ी रोक के और तत्काल फोन करेंगे, माइनिंग आ जाएगी, माइनिंग को पकड़ा के बेचारे का 1.25 लाख रुपए लगा लेंगे, तो उस डर से वो 300-500 रुपए इनको देने में हिचकिचाता भी नहीं है। ठीक है सर, ठीक ठीक है।